Well, first, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फिल्म अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग एंड एक्शन पैक होने वाला है. इसी नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं. नन देन पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला बाप लुक ऑफ अल्लू अर्जुन लिटरली स्पीकिंग. ये लुक देखकर बहुत गूजबम्स आ रहा है. एंड कल जब पुष्पा पुष्पा गाना आएगा तो गाइज वो एक्सपीरियंस आप सभी लोग जो है वो भी महसूस कर पाओगे. लुक एट दिस द फर्स्ट लुक ऑफ अल्लू अर्जुन. बट फ्रेंड्स जो पुष्पा भाव का लुक है वहां पर हमको अल्लू अर्जुन पहली बार पुष्पा टू द रूल में दिखाई दे रहे हैं. बूट्स पहना है उन्होंने, प्लेटेड फॉर्मल पैंट पहनी है. एंड गाइज वो दो एक्स जो गाड़ी के गाइज यहाँ पर आगे लगे हुए थे वो यहाँ पर इस बेल्ट पे भी लगे हुए हैं. विंटेज शर्ट पहना है, पूरा एम्ब्रॉयडरी है, हाथ में पूरा सोने से अंगूठियां भरी हुई है. गाइज यहाँ पर मेहंदी लगा दिया भाई अल्लू अर्जुन. लेट्स सी गाइज ये क्या है, क्यों लगा है, ये फिल्म देखने पता चलेगा. छोटी वाली उंगली में नेल पॉलिश है, हाथ में सोने का पूरा चेन पहना हुआ है, गले में चेन है, गोल्डन स्ट्रीक है बाल में. एंड गाइस यहाँ पर सिगरेट पीते हुए अल्लू अर्जुन, एक कंधा नीचे एक कंधा ऊपर, फ्लावर समझी क्या, फायर है मैं. एंड पीछे उनका दोस्त जो है केशव वो भी दिखाई दे रहा है, गन लेके आदमी जो खड़े वो भी दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट सिंगल पुष्पा पुष्पा. तो आज सबको पता चला सोशल मीडिया पे ये पिक्चर बंगाली में आ रही है. अपन दो दिन पहले ही डिस्कस कर लिए, लोग कमेंट में आके बोलते हैं ये इन्फॉर्मेशन आ गई वो इन्फॉर्मेशन आ गई. मतलब हम लोग सब इन्फॉर्मेशन है ना, एक दो दिन पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फिर बाद में सोशल मीडिया पर आती है. तो आज जाकर मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंस किया है कि पुष्पा 2 जो है वो यहाँ पर बंगाली में भी आने वाली है. तो भव्य तरीके से अनाउंसमेंट किया गया है गाइज. मेकर्स ने इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग टी सीरीज ने अनाउंस किया है पुष्पा 2 का फर्स्ट सिंगल कल आने वाला है शाम को 5:04 पर हिंदी तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम एंड बंगाली. 15 अगस्त को फिल्म रिलीज होने वाली है. तो कल 5:04 पर शाम को पुष्पा भाव के साथ अपना अपॉइंटमेंट क्या है अपॉइंटमेंट. अब गाइस बात करते हैं मेगास्टार सलमान खान की. तो आज से दो दिन पहले सलमान खान के टीम में जो एक बॉडी गार्ड है उन्होंने अपना यूके का वीजा जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पर शो किया था. तभी पता चल गया था कुछ तो कुछ कारस्तानी है, पूरी पूरी टीम यूके जाने वाली है. अब वो क्यों यूके जाने वाली थी ये यहाँ पर पता नहीं था. सो गाइज बैरी गार्डिनर ही इज द 7th टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर ब्रेंट नॉर्थ इन यूनाइटेड किंगडम. वेम्बली जो इलाका है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गाइज यहाँ पर आता है. एंड सरप्राइज सरप्राइज सलमान खान इज इन लंडन. ही इज लुकिंग फैबुलस. ब्लैक बीइंग ह्यूमन का लेदर जैकेट पहना है, जीन्स पहना है गाइज यहाँ पर. एंड वेम्बली स्टेडियम वो गाना याद है ख्वाब को नमस्ते लंडन. फिल्म वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स थी सलमान खान अजय देवगन की. दोनों ने क्या काम किया था पिक्चर में, वो फिल्म डिजर्व करती थी ब्लॉकबस्टर. अजय देवगन सलमान खान की बेस्ट मूवी है, अगर आप जरूर एक बार उसको देखिए फिल्म को. वो फिल्म अजय देवगन सलमान खान क्लासिक मूवी है. आज के टाइम पर आती है तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है विपुल शाह की फिल्म. तो सलमान खान वेम्बली में खड़े हैं, यहाँ पर टाइगर इज अलाइव एंड इन लंडन. टाइगर जिंदा है लंडन में है. तो गाइस यहाँ पर बहुत अच्छा स्वागत किया है सलमान खान का. सलमान खान इज लुकिंग हैप्पी हेल एंड हार्टी, आराम से भाई अभी घूम रहे हैं यहाँ पर विदाउट एनी यू नो रिस्ट्रिक्शन. वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है. सलमान खान अभी यूएई का ट्रिप कर आए एंड अभी गाइस फिलहाल यूके में काफी खुश जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. अब गाइस टाइम फॉर ऑडिशन. मैंने आपको पहले कहा था साउथ की जो फिल्में हैं बड़ी सी बड़ी फिल्में जो है ऑडिशंस का आयोजन करती है. अभी DISCO डिस्को रजनीकांत की फिल्म है यानी कि थलाइवर 171 उसका ऑडिशन यहाँ पर ऐलान किया है. जाफर सिद्दीक जो छोटू था जवान पिक्चर में वो बोलता है जो पिल देता है रेड पिल ब्लू पिल वो बहुत सारे तमिल पिक्चर में आ चुका है. लोकेश कनगरा का काफी खास है, उसने यहाँ पर ऑडिशन जो है यहाँ पर अटैच किया है. मेल भी है ऑडिशन फॉर 171@gmail.com. तमिल फिल्म हो तेलुगु फिल्म हो कन्नड़ आसिम हमारे हिंदी पिक्चर छोड़कर सब जगह ऑडिशन जो ऑनलाइन होते हैं. वरना यहाँ पर हिंदी में अरे कैसा ऑडिशन, कुछ ऑडिशन नहीं भाई, मित्र हो क्या उनके, काम मिल जाएगा आपको. तो गाइस ये काफी गलत लगता है. अब गाइस बात करते हैं जॉली LLB 3 के बारे में. तो अरशद वारसी अजमेर पहुंचे. एंड गाइस पहले प्रथा हुआ करती थी, अभी तो UFO आ गया है, डिजिटल KDM है, उससे हमारे पिक्चर्स जो है उनका प्रिंट यहाँ पे थिएटर में आप देख सकते हो. पहले जो रील रहती थी ना वो पूरी की पूरी रील शिरडी जाती थी, पूरी की पूरी रील अजमेर जाती थी फॉर गुड लक. एंड अरशद वारसी यहाँ पर अजमेर दरगाह जो है, यस फ्रेंड्स अजमेर दरगाह में अरशद वारसी जो है यहाँ पर चादर चढ़ाते हुए गाइस दिखाई दिए. अजमेर में यहाँ पर जॉली LLB 3 जो है उसकी शूटिंग होने वाली है. और बहुत इन्फॉर्मेशन लाया हूँ जॉली LLB 3 की आप सभी लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा. सो गाइस जॉली LLB 3 जो है
अब फिलहाल यहाँ पर अजमेर में जो है इसकी शूटिंग होने वाली है एंड गाइस अजमेर में यहाँ पर स्पेशल परमिशन जो है यहाँ पर जॉली एलिवी 3 की शूटिंग के लिए लिए गए हैं। यहाँ पर रेल कार्यालय में प्रोडक्शन हाउस ने 27 लाख रुपए की पेमेंट जो है जमा की है एंड परमिशन देने के बाद यहाँ पर रेलवे विभाग ने कहा है कि आपको रेलवे का जो रेप्यूटेशन है उसको मेंटेन करना होगा। DRM ऑफिस जो है क्योंकि 1850 की बिल्डिंग है, काफी यूनिक है, उसको 12 से 13 दिनों के लिए कोर्ट का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनाया गया है। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए वहां पर गेट पर ही यहाँ पर DRM ऑफिस में सिक्योरिटी जो है उसको तैनात कर दी गई है। अब गाइस बात करते हैं अक्षय कुमार की एक और फिल्म, इसका नाम है हाउसफुल 5। तो ये अपडेट भी मैंने आपको आज से 2 दिन पहले दे दी है, आज जाके मीडिया में आई है। तो जब तो मीडिया में नहीं आती तो भाई डिस्कस करना बनता है भाई। तो गाइस हाउसफुल 5 की क्या क्या अपडेट मैंने आपको दी है उसको जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिल्म की शूटिंग शिप पे होने वाली, ऑफिशियली शिप उन लोग यहाँ पे ले रहे हैं जिसपे पूरे के पूरे मेंबर्स जो है वो फंसे हुए होंगे। सितंबर से फिल्म की शूटिंग जो है वो शुरू होने वाली है, ये हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। आज की अपडेट ये है कि ये पूरी की पूरी फिल्म यूनाइटेड किंगडम में जो है शूट होने वाली है, यानी कि पहले 45 डेज का शेड्यूल जो है UK में शूट होने वाला है। मतलब UK हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली वेरी लकी फॉर अक्षय कुमार, स्पेशली विद द भगनानी, चाहे वो बेल बॉटम हो UK, मिशन रानीगंज UK, बड़े मियाँ छोटे मियाँ UK, उसके बाद बहुत सारी बेल बॉटम, रानीगंज, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक और पिक्चर है गाइस यहाँ पर सारे के सारे कठपुतली सब UK में शूट हुआ है। UK के नाम पर पूरा मनाली और वो सब दिखाया है इन लोगों ने। तो वापस से भी फिल्म यूनाइटेड किंगडम जा रही है, लेट्स सी गाइस, शायद वो बैड लक होगा, रिबेट भी मिलेगा जो काफी एडवांटेजेस होता है फिल्म के लिए। एंड गाइस ओल्ड कास्ट जो है यानी कि हाउसफुल 4 के पहले या 3, 2, 1 सभी फिल्मों में से कास्ट जो यहाँ पे लिया जाएगा, बहुत भव्य अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्दी होगी। सितंबर से फिल्म की शूटिंग जो है शुरू हो रही है, पहला शेड्यूल 45 डेज का होगा। फिल्म 6 जून 2025 को रिलीज हो रही है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। अब बात करते हैं रेड द्वितीय के बारे में। मतलब रेड 2 के लिए अजय देवगन और वाणी कपूर ने 2 गाने जो है वो शूट कर लिए हैं। एक गाना लखनऊ में शूट किया है, एक गाना जोधपुर में शूट किया है। रितेश देशमुख इस फिल्म के मुख्य यहाँ पर खलनायक की भूमिका जो है वो निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदी अच्छा बोल रहे हैं भाई, कंपटीशन कर रहे हैं क्या सर? अरे आप कहाँ मैं कहाँ सर, आप तो महान हो, आगे बोलिए। चलिए रितेश यहाँ पे पॉलिटिशियन जो है बनते हुए दिखाई देगा, जिसके पास बहुत सारा काला धन जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर इमेज जो है वो उसकी साफ सुथरी है, साफ सुथरी नेता की है, लेकिन वो माफिया से इन्वॉल्व है, उसके बहुत सारे अस्पताल है, बहुत सारे कॉलेजेस है, लेकिन काला धन जो है उसके पास बहुत है। देखने लायक ये रहेगा अजय देवगन कितने यहाँ पर, फिल्म में बताया जा रहा है अजय देवगन इस बार 2-3 रेड जो है मारते हुए दिखाई देंगे एंड यहाँ पर मेन टक्कर जो है इनकी रितेश देशमुख के साथ होगी। मतलब सिंघम अगेन की बहुत सारी शूटिंग जो है यहाँ पर फिलहाल बाकी होते हुए दिखाई दे रही है। तो आई थिंक फिल्म अब 2025 में आएगी ये कहना सेफ होगा, लेकिन अब 2024 में जून में अजय देवगन दे प्यार दे 2 एंड सना सरदार 2 की शूटिंग के लिए UK जो है वहां पर जाने वाले हैं। अभी फिलहाल वो रेड को रैप अप कर देंगे एंड साथ ही साथ सिंघम अगेन जो है उसकी शूटिंग भी जो है जो भी हो रही है उसको भी करते जाएंगे। ओके गाइस, सो मच के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक किए, शेयर की, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब तक की शाम तक की जितनी खबरें हैं मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इतना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे विद मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।